बैंक में जो मांगा गया है तो उनको वहाँ मृत घोषित दिखाया गया है। मृत जी हाँ, का पूरा डाटा खोल के उसका तो काम तो मृत हो गए, मृत घोषित हो गए आज से 14 महीना पहले। हमें काम जियत के मरी है, का पता लगा था जब मरे मारे मरे। क्या लगते हैं वो हमारा घर वाले लगा तो काल। अच्छा अच्छा, ये बताइए बंद हो चुका है सब सार बंद है गन्ना को? अच्छा गन्ना का रुपया हाँ। तो भी बंद, राशन भी बंद होता है कहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा में, बड़ौदा में। लेकिन जीवित है कि नहीं? जीवित है। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इतनी बड़ी खबर और इतना कुछ हो गया लेकिन कोई खबर नहीं है। लापता हैं, मर चुके हैं और बहुत सारी चीजें। एक जिंदा इंसान मर चुका है, उसको कागजों में मृत घोषित कर चुके हैं लोग। ये खबर है, ये हम यहाँ पर शाहजहांपुर के करीब, ये कौन सा थाना पड़ता है? ये तिलह है और हम फतेहपुर गांव में हैं, फतेहपुर बुजुर्ग गांव में। ये बताइए कि इंसान को मृत घोषित कर दिया गया और मृत घोषित कर ही नहीं दिया, कागजों में लिख दिया गया, साफ लिख दिया गया कि वो इंसान अब जिंदा नहीं है। ये इनके लड़के हैं, इनसे बात करने आए थे हम, पिताजी से भी बात करने आए थे इनके, लेकिन अभी मौके पे मौजूद नहीं है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात हो पाए, लेकिन कुछ गांव वाले मिले यहाँ पर और उन्होंने बहुत सहयोग किया। ये भाई साहब मिले, इन्होंने बताया क्या इस तरीके की चीजें जो हो रही है सही है गलत है साहब? गलत। इंसान को, जिंदे इंसान इंसान को अगर मृत्यु घोषित किया जाए वो गलत है। गलत है जी हाँ। राशन मिलता था कि नहीं मिलता? मिलता है सर। मिलता है? मिलता है। उनको मिलता है? हाँ मिलता है। क्लोज कर दिया गया? अच्छा, बैंक में जो मांगा गया है तो उनको वहाँ मृत घोषित दिखाया गया है। मृत घोषित जी हाँ गया है। और उसके बाद कोई कार्रवाई हुई उस बैंक पे? हाँ, उस पे कार्रवाई चल रही है। चल रही है हाँ, तो उनको जिंदा किया गया कि अभी तक? अभी उसमें कोई सूचना प्रकट नहीं हुई है। अच्छा, ये थोड़ा हाथ से लग रहा होगा आप लोगों को सुन के, लेकिन ये बड़ा संवेदनशील मसला है। कौन सा बैंक है वो? राजनपुर बैंक है। राजनपुर बैंक का? बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ बड़ौदा। जब खाता इनका खुला था वहाँ पर कुछ मालूम है? हमें जाने मालूम नहीं, मालूम है वह दिन का क्योंकि एक इंसान उनको कुछ पता है। ये इनके लड़के हैं, इनको कुछ नहीं पता है लेकिन गांव वालों को बहुत कुछ पता है। बताइए, वृद्धावस्था पेंशन आती थी तो ब्लॉक से सर्वे होता, उसकी रिपोर्ट मांगी जाती, तो उसमें जो था उन्हें मृत घोषित कर दिया और उधर भेज दी गए प्रधानमंत्री की इनसे रिकवरी हुई जाए, जो पैसा इनके अकाउंट में गया रिकवरी हो जाए। तो विभाग ने नोटिस बैंक को भेज दिया कि ये मृत घोषित, इनका अकाउंट ने बंद कर दिया, होल्ड कर लिया। तो ये बेचारे पैसा निकालने गए, वहाँ उनने बिटाल भरा तो देखा, वो उनने कहा हम तो मृत घोषित हो आज से लगभग 12-13 महीने पहले और हमको पैसे नहीं मिलेंगे। उनने कहे जाओ आप तो मर चुके। जो बड़ा बड़ा मजेदार ये चीज है कि वही इंसान जा रहा है, वही इंसान जा रहा है और उसको मृत घोषित कर दिया कि तुम मर चुके हो और तुमको कुछ नहीं। आ जाइए आप, यहाँ पर आइए, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, मृत घोषित हो चुका है। उन्हें जानकारी बैंक से हुई, बैंक से हुई कि वो अब जिंदा नहीं रहा। कुछ लोग आए थे यहाँ पर अधिकारी लोग, तो वो हमारे खेत से तुरैया लौका जो भी बेचते हैं वो तोड़ कर ला रहे हैं, तो हमने कहा देखो जिंदा भूत आ रहा है भाई। जिंदा भूत आ रहा है, इन्होंने सही नाम दिया, जिंदा भूत आ रहा जी है। जी हाँ, हमने कहीं देख लिया लेखपाल साहब, ये जिंदा भूत आ रहा है, कौन है? हमने कहे ओम प्रकाश जो मृत्यु घोषित हो चुका है जी। मजाक उड़ाया जा रहा है और उसका जो बैंक अकाउंट में खाता है जो पैसा उसको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया हाँ, उसका खाता क्लोज कर दिया गया। और उनके लड़के भी बता रहे कि अभी तक मृत घोषित थी है ना जी, अब कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है उस पे, नाम पे क्या नाम उनका, अभी जीवित घोषित हुए कि नहीं जी? जाँच चल रही है सर। जाँच चल रही है? कब से चल रही है जाँच? 5 तारीख थे, 5 सितंबर से 5-6 तारीख थे। अच्छा, वो 2 तारीख को गए थे बैंक, 2 तारीख को गए थे और उसके बाद वहाँ उन्हें वहाँ कैशियर ने देखा तो उन्होंने कहा आप तो मृत घोषित हो गए, साहब के पास जाओ। साहब ने देखा पूरा डाटा खोल के उसका, तो कहा आप तो मृत हो गए, मृत घोषित हो गए आज से 14 महीना पहले, तो कहीं हमको पैसे नहीं मिलेंगे ऊपर से। फिर हमने वो दिखाया होगा, जब उन्होंने कहा भाई हमारे लिए आदेश आया, बाद में जब आदेश हुआ तब ब्लॉक में ब्लॉक से रिपोर्ट लगा के भेजी गई, ये मर गए, इनकी जो वृद्धावस्था
आती जी इन्होंने ली वो वापिस हो इनसे, इसलिए बैंक खाता इनका बंद। गांव की चाची है यहाँ पे बैठी है चाची, इनके घर में ही तो हैं। अच्छा अच्छा, आप आपके क्या लगते हैं वो? हमारा घर वाले लगा तो काल। अच्छा अच्छा, ये बताइए इन्हीं के पति देव हैं ओम प्रकाश मौर्य जी, ये बताइए ये 2 तारीख को जब गए तो क्या बैंक वाले बोले? बैंक वाले ने कही तुम्हारा खाता बंद आएगा, तुम मर चुके हो रुका। अच्छा तुम मर चुके हो, तुम्हारा खाता बंद हो चुका है। पैसा हो तो बाबित हो जाए, यहाँ से आओ तो। अच्छा, और जो पैसा खाता में हो वो खाता में आ भाई आओ तो भाई बाबित हो जाए। अच्छा, लेकिन तुम जीवित नहीं होगे। तो जीता ही नहीं तो फिर कहाँ हुए जी। ये बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारा पैसा वापस कर दिया जाएगा लेकिन तुमको जीवित नहीं किया जाएगा। तो अभी जीवित हुए कि नहीं? अब कार्रवाई चलती, हमें काम जियत जियत के मरी है, हम का पता लगा जब मरे मारे मरे अभी तो किसी के मरनी में गए हैं वो। और रुका तो जीवित है तभी तो गए हैं। ये चाची हैं, कह रही है इन्हीं के पति देव हैं ओम प्रकाश मौर्य जी, बता नहीं जीवित हैं या मर गए वो, हमको क्या पता। एक दिन लेखपाल साहब आए थे, आदेश हुआ होगा उनको कि जाओ देख करके आओ कि ये मृत हैं या जीवित हैं, तो उन्हें आए गांव में जानकारी की तो लोगों ने तो जीवित हैं वो भी आ गए। जब तक चाची कितने लड़के हैं आपके? 5 लड़का हैं। 5 लड़के हैं, ये सबसे छोटे वाले हैं क्या? मझिले। और बच्चे कहाँ रहते हैं? दो यही बाहर रहा था और घर ही 3 रात। अच्छा, ये बताइए कुछ लोग आए थे जो आधार कार्ड और पासबुक मांग रहे थे, क्यों आए थे वो लोग? कहे तुम्हारी पेंशन बंदवा देंगे, देंगे ऐसा आधार दे दो और बैंक की किताब दे दो। कहाँ से आए थे कुछ पता है? जा कह रहे थे बागवानो तहसील से बस आए ब्लॉक। कोई ऐसा अनजान व्यक्ति तो आपने दिखाया क्या उनको आधार कार्ड? और किसी भी अनजान व्यक्ति को, हम मीडिया से हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति को ना अपना खाता दिखाना है ना अपना आधार कार्ड दिखाना है, कुछ भी अगर वो मांगे तो उनसे पूछना है कि आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं नहीं बात करता हूँ, झूठी चाची कहता है क्या बात है, हमें कहा जाने उन्हें। हाँ चाची, ये बहुत बढ़िया चीज है कि आपने, उन्हें कहा जाना है जब मारिया डारो फिर उन्हें कहा जाना है। अब भाई हमें जिंदा करना कले आ उतरे जिंदा मार दिए फिर जिंदा करी, अब पेंशन ही बना भाई पेंशन काहे की है? 70 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है उनकी। आपकी उम्र कितनी होगी? अरे हम ही ना है मतलब उम्र ही मरी। बंद हो चुका है सब सार बंद है हाँ। गन्ना को? अच्छा, गन्ना का रुपया हाँ। तो भी बंद, राशन भी बंद, और क्या क्या बंद हो गया? सब चीज बंद, जो उनके नाम से मिलती थी सब कुछ बंद कर दिया। सब बंद कर दो। ये देखिए, पहले मृत घोषित किया गया और उसके बाद सरकार की सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। आपको मिलती है कुछ? कुछ नहीं मिलता, राशन वोशन जो सरकार खाली राशन मिलता है बस। राशन मिलता हाँ। है, लेकिन पिताजी के नाम से कुछ नहीं मिलता है सर उन्हें, उन्हें अभी तो चाची कह रही है नहीं, जैसे उनका मिनती। आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ न्याय मिले? जी न्याय मिले और उनको जीवित कर दिया जाए, जीवित कर, और जो जो योजनाएं बंद हुई हैं वो शुरू हो जाए, जो योजनाएं उनके नाम से मिलती थी वो फिर से शुरू हो जाए। तो अभी कार्रवाई चल रही है कि बस डगर रही है? चल रही है सर, जांच चल रही है। कि गांव के कुछ लोग हैं सोचते हैं कि इनसे भी थोड़ी सी बात की जाए। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? सतपाल। सतपाल जी, ये बताइए इस तरीके की चीजें, आपका तो बैंक अकाउंट है जी, उसमें जीवित हैं? हाँ जीवित हैं। कल के डेट में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाते हैं, और खाता तो उसमें नहीं ना है, बड़ौदा में जी, लेकिन आप जीवित हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर हम ये बताओ, अगर हम मर जाएंगे तो हमें गल्ला कैसे मिलेगा? अगर हम कागजों मर जाएंगे तो हमें कैसे गल्ला मिलेगा? अरे कैसे मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। कौन नहीं जाती है, नहीं जानती जा बात है। ये कौन बच्चन को भाई जुड़वाओ तो घूमते आदमी, और मित्र हो इन्हें नहीं मालूम। आपका खाता होता है कहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बड़ौदा में है ये, बहुत नामी गांव के सारे व्यक्तियों का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, लेकिन जीवित है कि नहीं? जीवित है, बड़ौदा में पूरा काम बड़ौदा बैंक में। एक इंसान को जाता है वो पैसा निकालने, और उसको कहा जाता है कि तुम मर चुके हो,
और तुम्हारा पैसा निकाल के दे दिया जाएगा लेकिन तुमको जीवित नहीं किया जाएगा। कैसा मजाक है ये? मजाक है, जिंदा आदमी उसे मरते कर दो। वो दूसरे के मिट्टी में गया हुआ है। मिट्टी में गया और उसको पहले ही मिट्टी में कागजों में मृत कर दिया गया। ये लोग गांव के लोग हैं। चाचा सूती बना रहे थे, खैनी वैसे बहुत ये खाना सही चीज नहीं है लेकिन मजा आता होगा। आदत पड़ी, आदत पड़ी भाई है ना, आदत पड़ी हुई है। लेकिन इससे जानते हैं कैंसर होता है? कुछ नहीं होता, नहीं होता है। जबरदस्त आदमी है और बड़े आदमी के अंदर हो, छोटे आदमी नहीं हो। छोटे आदमी क्योंकि वो मेहनत करता है। मेहनत ये भी बात है क्योंकि छोटा आदमी दिन भर घसीटता है, मेहनत करता है, लेबरगिरी करता है, अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए लाख जतन करता है लेकिन वो आखिरी में क्या मिलता है? उसको कागजों में मृत घोषित कर दिया जाता है। हम उन्हीं ओम प्रकाश मौर्य के गाँव में आए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन गाँव के लोग मिले, उनकी धर्म पत्नी मिली, उनके बच्चे मिले और गांव के कुछ ये सदस्य मिले जिनसे हम बात कर रहे थे। और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच शुभम त्रिपाठी के साथ। नमस्कार। आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।